हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बेनीशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। नाम श्वेत। सो अभी हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स, जो आपके टीसीएस एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। एंड नॉट ओनली टीसीएस एग्जामिनेशंस, जो भी एग्जामिनेशन जिसमें करंट अफेयर पूछा जा सकता है, सो वो हर एक एग्जामिनेशन के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। अगर हम देखते हैं, सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021। सो किसने रिलीज किया है 2021 की पॉवर्टी इंडेक्स? तो आंसर आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी यूएनडीपी ने जो है इसको रिलीज किया है। सो ये जो है ना, जॉइंटली रिलीज किया गया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सो आर्थराइटिस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो डिसीजेस से रिलेटेड जो भी डेज होते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो याद रखो। सो 12 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है आर्थराइटिस डे। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि लोगों में अवेयरनेस लेके आए कि आर्थराइटिस एक डिसीज़ होते हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि ऐसा एक डिसीज़ जो है एग्जिस्ट करता है। एंड इसका थीम क्या है? डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। ओके, एंड 1996 से जो है ऑब्जर्व किया जा रहा है। एंड आर्थराइटिस एक ऐसी डिसीज़ होती है, ऐसी डिसीज़ है जो बोन्स के ऊपर जो है इफ़ेक्ट होता है। ओके, ताकि जॉइंट्स में होता है। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ भारत पे? सो भारत पे का न्यू चेयरमैन कौन है? तो आंसर आ जाए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रजनीश कुमार आंसर हो जाएगा। सो कौन है रजनीश कुमार? आपको पता ही होगा, इज द चेयरमैन ऑफ SBI का चेयरमैन है फॉर्मर। एंड अगर हम SBI की अगर बात करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ये SBI की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम भारत पे की बात कर रहे हैं। सो भारत पे का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 1 अप्रैल 2018 को हुआ था। ओके, सो अगर हम भारत पे के फाउंडर्स की बात करते हैं, आर्चनीर ग्रोवर, शशवात बाविका, ये तीनों ही फाउंडर्स हैं भारत पे के। ओके, नेक्स्ट अगर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू कवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन अक्टूबर 11, 2021। सो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अदानी ग्रुप आंसर आपका हो जाएगा। सो नेक्स्ट अगर देखते हैं, सो द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, वो जो है लीज दिया है अदानी ग्रुप को 50 ईयर्स का। ओके, सो यहाँ पे ये अदानी ग्रुप जो है कंट्रोल लेगा पूरी तरह से। ओके, जो भी है, पर यहाँ पे क्या क्या चीज़ों का ये नहीं ले रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो कार्गो टर्मिनल, नेविगेशन एंड सर्वेलेंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, कम्युनिकेशन, ये जो है सारे के सारे जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ओके, अगर हम जयपुर की बात करते हैं, जयपुर इज इन राजस्थान। राजस्थान की चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो अशोक गहलोत है। गवर्नर की बात करते हैं तो कलराज मिश्रा है। लोकसभा में 25 सीट्स है, राज्यसभा में 10 सीट्स है। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, वेयर डिड द 2021 इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप रिफिल पिस्टॉल शॉटगन टुक प्लेस? ओके, सो कहाँ पे हुआ था ये? तो आंसर आपका हो जाएगा लीमा। लीमा में हुआ था इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ओके, सो अगर हम इसके बारे में और देखेंगे, सो लीमा जो है कहाँ पे है? पेरू में है। ओके, और ये 27 सितंबर से लेके अक्टूबर 10 तक जो है ये हुआ था। और यहाँ पे कितने मेडल्स जीता है? टोटली 43 मेडल्स जीता है, ऐसे हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। सो यहाँ पे इन लोगों ने जो है हिस्ट्री बनाया है 43 मेडल्स जीत के। उसमें से 17 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 10 ब्रॉन्ज थे। ओके, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेडल्स जीतने वाला कौन था? मनु भाकेर थे। ओके, इन्होंने 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीता था।
सो वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मस्कट ऑफ द अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया 2021 अनवील्ड ऑन अक्टूबर 11, 2021। सो बात यहाँ पे फुटबॉल की हो रही है, तो आंसर आपका आई बी एच ए हो जाएगा। ओके सो यहाँ पे देखना किसके द्वारा जो है इसको अनवील किया गया है, तो वर्ल्ड फुटबॉल गवर्निंग बॉडी कौन है, फीफा के द्वारा जो है अनवील किया गया है। सो आई बी एच ए यहाँ पे क्या है, ये एक ऐसी एशियाटिक लायनेस है जो वुमेन को, वुमेन पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके अगर यहाँ पे अंडर 17 फीफा की ये बात करते हैं वुमेन्स वर्ल्ड वर्ल्ड कप की, सो ये 7th एडिशन है। सो ये अक्टूबर 11 से लेके 30 तक इंडिया में हो रहा है। ओके अगर हम फीफा की बात करते हैं, इसकी फाउंडेशन 1904 में हुआ था। ओके सो व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन हेल्ड एनुअली, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। सो रिडक्शन, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन कब मनाते हैं इस डे को, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13th ऑफ अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। राइट सो 1989 से जो है इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसका थीम अगर हम देखते हैं तो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस द डिजास्टर रिस्क एंड डिजास्टर लॉज जो है इसका थीम रहा है, थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रख लो। ओके सो ये क्या है ना, ये डे जो है ना प्रमोट करता है कंट्रीज में कि ये डिजास्टर रिस्क को कम करने के लिए, उसे बहुत ज़्यादा थ्रेट है। ओके ये अवेयरनेस लेके आने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन अक्टूबर 12, 2021। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी के, नरेंद्र मोदी के न्यूली अपॉइंटेड एडवाइजर कौन है, तो आंसर आपका अमित खरे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सो इनके बारे में देखते हैं, तो ये एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर है 1985 बैच के। ओके इनको जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है अपॉइंट किया गया है 2 सालों के लिए। राइट नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम द 11th स्टेट ओन्ड एंटिटी इन इंडिया टू एंटर द महारत्न कैटेगरी 2021, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली पूछा जा सकता है, स्पेशली हम अगर बात करते हैं NTPC CBT 2 की बात करते हैं ना, सो उसमें कभी ना कभी किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आ जाएगा। सो महारत्न कैटेगरी के 11th यहाँ पे 11th नंबर पे कौन सी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो आ गया है, तो ऑप्शन नंबर बी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन आपका सही आंसर हो जाएगा। राइट सो यहाँ पे महारत्न स्टेटस क्या होता है, तो ये किसी भी कंपनी को दिया जाता है अगर उसका जो नेट प्रॉफिट है ना 5000 करोड़ से 5000 करोड़ है या उससे ज़्यादा है कंटिन्यूसली 3 साल के लिए, या एवरेज जो एनुअल टर्नओवर होती है ना वो 25,000 करोड़ का हो 3 ईयर्स तक। ओके कंटिन्यूसली सो यहाँ पे ये याद रख लो, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल ई वेस्ट डे 2021, सो क्या है थीम, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंज्यूमर इज द की टू सर्कुलर इकोनॉमी जो है इसका आंसर हो जाता है। ओके ये इसका थीम रहा है। अगर हम बात करते हैं कब मनाया जाता है, तो 14th ऑफ अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। सो ऑब्जर्व टू प्रमोट द करेक्ट डिस्पोजल ऑफ द ई वेस्ट, यू नो ऑब्जर्व किया जाता है क्यों, ताकि जो हम कंज्यूमर तो हम ही है ना, यानी हमको जो है करेक्टली उसको जो है फेंकना है, यानी उसका जो है करेक्ट डिस्पोजल करना है। ओके ताकि उसका जो है रीयूज हो जाए, ओके वो रिसाइकल भी हो जाए, सिंस 2018 जो है इस डे को ऑब्जर्व किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर देखते हैं, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द 58th एडिशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, सो इस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या रहा है, तो आंसर हो जाएगा 3rd रैंक है, और EY के द्वारा जो है इस इंडेक्स को जो है रिलीज किया गया था। ओके नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन, सो दुनिया की सबसे पहली सेल्फ यानी खुद ड्राइविंग करने वाला ट्रेन कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जर्मनी आपका सही आंसर हो जाएगा। राइट अगर यहाँ पे बात करते हैं कौन से सिटी में
ओके, हैमबर्ग सिटी जर्मनी के, ओके, एंड दिसंबर से जो है ये पैसेंजर्स को ट्रैवल करेगा। एंड जर्मनी की बात करते हैं तो इसका कैपिटल है बर्लिन एंड करेंसी क्या है, यूरो है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज वन द प्रेस्टीजियस सी के प्रहलाद अवार्ड फॉर द ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप फॉर द ईयर 2021। सो किसने जीता है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्या नादेला। इन्होंने जीता है प्रहलाद अवार्ड। ओके, सो सत्या नादेला कौन है यहाँ पे, आपको पता है ना, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। सो इनको जो है ये अवार्ड दिया गया था। सो नेक्स्ट, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन ऑब्जर्व एवरी ईयर। सो कब ऑब्जर्व किया जाता है रूरल वुमेन डे, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 15 को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका थीम अगर हम देखते हैं, रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। ओके, कितना अच्छा है ना थीम। सो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, सो व्हेन इज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। सो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये भी जो है अक्टूबर 15 को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इसका अगर हम देखते थीम देखते हैं, आ फ्यूचर इज एट हैंड, लेट्स मूव फॉरवर्ड टूगेदर। सो आपको पता है कोविड के बाद हैंड वॉशिंग कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हैंड वॉशिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, सो याद रख लो, थीम भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, फ्यूचर इज दैट हैंड, लेट्स मूव टुगेदर फॉरवर्ड टुगेदर। सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। सो व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। सो इंडिया का रैंक क्या रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, 101 रैंक रहा है इंडिया का। ओके, सो लास्ट ईयर तो थोड़ा बेटर था, अभी तो उसे भी ज्यादा घटिया हो गया है इसका रैंक। सो चलो इतना ही रखते हैं, इतना सारे के सारे चीज़ें जो है ना, 2-3 दिन का आपको वो थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दिया है। ओके, अच्छे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, अच्छे से याद रखना। सो इतना ही आज का क्लास, होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड आपका करंट अफेयर टेस्ट आपको पता ही है ना, एवरी संडे को होता है हमारा करंट अफेयर टेस्ट एट 5 PM, 5 PM को होती है। सो 5 PM को रेडी रहना, इस वीक का करंट अफेयर का टेस्ट हम करेंगे। ओके, एट शार्प एट 5 PM एवरीवन। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय।